हम लोग इस वीडियो में लॉजिक गेट के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में भी लॉजिक गेट लिखा जाता है, वैसे लॉजिक गेट अंग्रेजी वर्ड है और इसका हिंदी में अर्थ होता है तार्किक द्वार। तो लॉजिक गेट का हम लोग अध्ययन करते हैं आज। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, तार्किक द्वार भी हिंदी में कहा जाता है। तो लॉजिक, तो लॉजिक गेट समझिए क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले सिग्नल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के बारे में चर्चा की थी। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में दो तरह के सिग्नल प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, एक एनालॉग यानी अनुरूप सिग्नल जो जिनकी वैल्यू समय के साथ एक समान रूप से बदलती रहती है, और दूसरे हम लोगों ने जो सिग्नल पढ़े थे वो थे डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में जो सिग्नल के केवल दो ही स्तर होते हैं, एक उच्च स्तर होता है और एक निम्न स्तर होता है। तो डिजिटल सिग्नल जो है कुछ देर तक उच्च स्तर पर ही रहते हैं और अचानक घटकर निम्न स्तर पर आ जाते हैं, फिर कुछ देर तक निम्न स्तर में रहते हैं और अचानक घटके उच्च स्तर पर चले जाते हैं। तो इस तरह के जो सिग्नल हैं जिन परिपथों में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग डिजिटल परिपथ कहते थे। अब लॉजिक गेट क्या है? तो वे डिजिटल परिपथ लॉजिक गेट कहलाते हैं जो निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्क संगत संबंध पर आधारित होते हैं। यानी जो लॉजिक गेट वे डिजिटल परिपथ होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किस इनपुट को, किस निवेशी सिग्नल को हमें निर्गत करना है या किस निवेशी सिग्नल को हमें रोक देना है। तो इस आधार पर इनको, इसीलिए क्योंकि ये निर्गत सिग्नल प्राप्त निकल देना है या नहीं देना है, तो उसके लिए ये लगातार फ्लो बनाए रखने के लिए यूज किए जाते हैं कि फ्लो को रोकना है या बंद कर देना है। तो इसीलिए इनका नाम है गेट, द्वार। गेट माने दरवाजा जैसे होता है, घर से कब जाना है कब नहीं जाना, किसको जाना है किसको नहीं जाना, तो इस तरह इसीलिए इनका नाम है लॉजिक। तो लॉजिक गेट वास्तव में वे डिजिटल परिपथ होते हैं जो निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नलों के बीच एक तर्क संगत संबंध पर आधारित होते हैं। और इन लॉजिक गेटों का निर्माण हम लोग मुख्यतया पीएन जंक्शन डायोड या ट्रांजिस्टर के द्वारा करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर और पीएन जंक्शन डायोड है तो वह केवल उसी अग्रअभिनत के दौरान ही किसी सिग्नल को पास करेगा, यानी वोल्टेज या करंट को पास करेगा अग्रअभिनत के दौरान। उत्क्रम अभिनत के दौरान यह धारा को पास नहीं करता, यानी किसी सिग्नल को पास नहीं करता। इसलिए जो लॉजिक गेट हैं वो मुख्यतया संधि डायोडों और ट्रांजिस्टर से। अब ट्रांजिस्टर को हम लोगों ने स्विच के रूप में पढ़ा था। ट्रांजिस्टर की एक कटाप अवस्था होती है, एक संतृप्त अवस्था होती है। कटाप अवस्था में वे स्विच ऑफ का कार्य करता है और संतृप्त अवस्था में स्विच ऑन का कार्य करता है, यानी यह भी लॉजिक गेट का कार्य कर सकता है, यानी लॉजिक गेट के निर्माण में यह भी यूज किया जाता है। तो इस तरह लॉजिक गेट के बारे में। अब लॉजिक गेट को बनाने के लिए और उनका विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक जॉर्ज बूले ने, जो इंग्लैंड के इंग्लिश वैज्ञानिक थे जॉर्ज बूले ने, उन्होंने 1946 में था एक ऐसी बीजगणित का निर्माण किया जिसके द्वारा हम लोग लॉजिक गेट्स यानी जो डिजिटल परिपथ होते हैं उनका विश्लेषण, लॉजिक गेट्स का विश्लेषण किया जाता है। तो लॉजिक गेट, अब हम लोगों ने ये जाना कि डिजिटल परिपथ जो होते हैं उसमें जो सिग्नल होते हैं या जो वोल्टेज या धारा होती है वह केवल दो ही स्तरों में होती है। उसके दो ही स्तर होते हैं, एक न्यूनतम स्तर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये न्यूनतम स्तर हो गया, और फिर एक उच्चतम स्तर होता है। इस तरह से चेंज करते हैं, ये न्यूनतम स्तर हो गया यहाँ पर और ये अचानक बढ़कर ये स्तर से। तो इन वोल्टेज कह सकते हैं समय के साथ इस तरह से सिग्नल या वोल्टेज में या धारा में परिवर्तन होता है। तो इस तरह के, तो जो जॉर्ज बूले ने जो बीजगणित का निर्माण किया था उसे बुलियन बीजगणित कहा जाता है, जॉर्ज बूले के आधार में नाम पर बुलियन बीजगणित। तो बुलियन बीजगणित में जो
निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल होते हैं उनके निम्न स्तर और उच्च स्तर को व्यक्त करने के लिए उन्होंने केवल दो अंकों का प्रयोग किया, शून्य और वन। शून्य यानी निम्न स्तर को यूज कर सकते हैं या वन भी यूज कर सकते हैं, जीरो या वन से निम्न स्तर को लिख सकते हैं और वन या जीरो से उच्च स्तर को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो जीरो और वन होते हैं ये उस बीजगणित के चर कहलाते हैं, यानी बुलियन चर इनको कहा जाता है, जीरो और वन को बुलियन चर कहा जाता है। और अब इस आधार पर जो लॉजिक गेट होते हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया कि यदि किसी लॉजिक गेट में जो सिग्नल होते हैं निवेशी सिग्नल या निर्गत सिग्नल उनके अगर निम्न स्तर को जीरो से लिखते हैं और उच्च स्तर को वन से लिखते हैं तो उसे धनात्मक लॉजिक गेट कहा जाता है, धनात्मक लॉजिक गेट। जीरो निम्न स्तर को जीरो से उच्च स्तर को वन से तो धनात्मक लॉजिक गेट, और यदि उल्टा कर देते हैं हम लोग, यदि किसी निवेशी या निर्गत सिग्नल के निम्न स्तर को निम्न स्तर को वन से और उच्च स्तर को जीरो से अगर रिप्रेजेंट करते हैं प्रदर्शित करते हैं तो उसको कहते हैं ऋणात्मक लॉजिक गेट। तो इस तरह से धनात्मक लॉजिक गेट और ऋणात्मक लॉजिक गेट दो प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए हमने इसको अगर जीरो लिखा निम्न स्तर को यहाँ पर जीरो से प्रदर्शित किया गया और उच्च स्तर को अगर हम वन से प्रदर्शित करें तो ये धनात्मक लॉजिक गेट का सिग्नल हो गया, धनात्मक लॉजिक गेट का सिग्नल हो गया। और यदि हम किसी सिग्नल के निम्न स्तर को वन से लिखें और उच्च स्तर को जीरो से लिखें तो फिर इसको ऋणात्मक लॉजिक गेट कहा जाता है। तो ये धनात्मक लॉजिक गेट का संकेत है धनात्मक सिग्नल कह सकते हैं। और ये हो गया आपका ऋणात्मक सिग्नल। तो इन सिग्नलों को परिपथ में अगर हम यूज करते हैं इस तरह के सिग्नल को जीरो और वन वाले को निम्न स्तर को जीरो से और उच्च स्तर को वन को तो धनात्मक लॉजिक गेट कहलाएगा, और निम्न स्तर को वन से और उच्च स्तर को जीरो से तो कहलाएगा ऋणात्मक लॉजिक गेट। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी लॉजिक गेट, अब हमारे पास तीन प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, तीन लॉजिक गेट है, मुख्य तीन लॉजिक गेट होते हैं। तो उन तीन लॉजिक गेटों का नाम है OR गेट, दूसरा है आपका AND गेट और तीसरा है NOT गेट। तो ये तीन गेट हम लोग, ये मूल गेट होते हैं किसी भी डिजिटल परिपथ में प्रयुक्त किए जाने वाले तीन मेन जो गेट होते हैं वो हैं OR गेट, AND गेट एंड NOT। और इनके मेल के द्वारा और भी गेट बनाए जाते हैं जैसे कि NOR गेट, NAND गेट और XOR गेट, XOR गेट और भी होते हैं, XOR गेट इस तरह से। लेकिन मूल जो तीन हैं जिनको हम लोग इंटरमीडिएट स्तर पर पढ़ते हैं, तो तीन तरह के लॉजिक गेट होते हैं। अब हर एक लॉजिक गेट का एक सिंबल होता है यानी एक प्रतीक होता है और एक होता है बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन व्यंजक, और एक होता है सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। तीन। तो किसी भी लॉजिक गेट का विश्लेषण करने के लिए हम लोग तीन चीजें प्रयुक्त करते हैं, प्रतीक, बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी। अब बुलियन व्यंजक क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो जॉर्ज मूले ने जो बीजगणित बनाई थी जिसमें जीरो और वन चर इस्तेमाल किए जाते हैं, बाइनरी संख्या जीरो और वन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस प्रकार निवेशी और निर्गत सिग्नलों को किस संयोगों को व्यक्त करने के लिए एक व्यंजक उन्होंने बनाया जिसे बुलियन व्यंजक कहते हैं। तो उस बुलियन व्यंजक जो है वह निर्गत और निवेशी च,
चरों के बीच या सिग्नलों के बीच या कथनों के बीच एक संबंध प्रदर्शित करेगा उसको बोलते हैं बुलियन व्यंजन। और जो निवेशी और निर्गत सिग्नलों के जो संभव मान हो सकते हैं उनको एक सारणी द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसको कहते हैं सततः सारणी, एक सारणी द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं लॉजिक गेट के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में इन तीन लॉजिक गेटों के प्रतीक बुलियन व्यंजक और सततः सारणी को समझेंगे और नॉर गेट, एंड गेट और जॉर गेट कैसे प्राप्त करते हैं वो भी हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में।